इस वक्त ना इस पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में एक बड़ा ही अलग माहौल बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि देशों का पूरा सीन ही बदलता जा रहा है। भारत के पड़ोस में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो भारत को कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकती हैं और बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। भारत के आसपास अस्थिरता अब सामने आ चुकी है। जानेंगे बांग्लादेश में अब ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर भारत के जयशंकर ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? साइबर तौर पर क्या इजराइल के ऊपर कुछ हुआ है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, और चिंता की बात क्या है कि म्यांमार झुलस रहा है। वो देख ही रहे हैं हम लोग किस तरीके से जुंटा और विद्रोही गुटों के बीच में पिस रहा है म्यांमार। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं। अब इन दोनों देशों को छोड़िए, एक तीसरा देश बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी शुरुआत कुछ इसी तरीके की हो गई है। हाल ही में बांग्लादेश की पीएम ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया और फिर कर्फ्यू वगैरह लगा दिया गया था, लेकिन बाद में जब इसे हटा लिया गया तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है, और ये आंदोलन थोड़ा बड़े रूप में ही चल रहा है। आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच 100 लोग ऊपर चले गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं, और अब प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि शेख हसीना इस्तीफा दे, जबकि प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि आज बांग्लादेश की स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है और देश गृह युद्ध में फंस सकता है, क्योंकि कुछ देर में मार्च टू ढाका शुरू होने वाला है जिसमें हजारों संख्या में प्रदर्शनकारी भाग लेने वाले हैं। माना जा रहा है इस रैली के दौरान और भी ज्यादा भड़क सकती है चीजें। बांग्लादेश अखबारों के मुताबिक भेदभाव विरोधी आंदोलन ने अपनी एक सूत्री मांग शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे पर जोर देने के लिए आज ढाका मार्च कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने देश भर के छात्रों और लोगों से ढाका तक मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है। छात्रों के आंदोलन के 3 कोऑर्डिनेटर ने इस चीज की पुष्टि की है और कहा है कि बिल्कुल इसी तरीके का होगा। वहीं भारत ने अपने सभी नागरिकों को सलाह दी है कि यहां जारी हिंसा के कारण अगली सूचना तक बांग्लादेश की यात्रा करने से बचे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार देर रात जारी एक परामर्श में बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के आपातकालीन फोन नंबरों पर संपर्क बनाए रखने की सलाह दी है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय और हाई कोर्ट प्रभागों और उनके कार्यालयों में सहित देश भर की अदालतों के अलग अलग कार्यों को अगले निर्देश तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीन प्रत्येक अदालत एक या एक से अधिक मजिस्ट्रेट 24 घंटे काम करेंगे ताकि जरूरी मामलों की सुनवाई की जा सके, निपटाया जा सके। दूसरी तरफ कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के लिए बांग्लादेशी सेना को उतार दिया गया है और कर्फ्यू के नियमों का पालन करने के लिए कह दिया गया है। पर यहाँ पर अभी भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश में सेना की सरकार आ सकती है और सेना अपने हाथ में ले सकती है चीजों को। कहा जा रहा है कि यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें 13 पुलिसकर्मी भी कहीं न कहीं निशाने पर आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जिलों में सत्तारूढ़ अवामी लीग के कार्यालयों को आग लगा दी है, वाहनों में आगजनी की है, और कहा जा रहा है कि कई बार ये देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा बल कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और इससे देश में अराजकता फैल रही है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना सरकार खतरे में है और देश में सेना के सत्ता संभालने की अटकलें लगनी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदर्शनकारियों के इस्तीफे की मांग को स्वीकार करती है तो देश में अंतरिम सैन्य सरकार बनेगी। फिलहाल माहौल हसीना के अवामी लीग सरकार के खिलाफ दिख रहा है, उन पर पद छोड़ने का दबाव भी बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ अवामी लीग के नेता भी हिंसक विरोध प्रदर्शन को निशाना बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि अवामी लीग के 6 नेताओं को भी इसमें
उन्हें निशाना बनाया गया है। सेना से जुड़े लोग भी आंदोलन को हवा दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व सेना के वर्कर हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ खड़े हैं। कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी छात्र आंदोलन में शामिल हो गए हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां ने आंदोलन को समर्थन देते हुए अपनी फेसबुक प्रोफाइल तस्वीर को लाल कर दिया है। बांग्लादेशी अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक और डलास विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य शफकत रब्बी का कहना है कि हसीना से वैसी ही गलती हुई जैसी यहवा खान ने मार्च 1971 को ढाका में गोली चलवा के की थी। ऐसा लगता है जैसे कि परिणाम भी उसी दिशा में जा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर करीब 1 करोड़ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर हैं, वहीं पुलिस और सुरक्षा बल बेबस दिख रहे हैं। ढाका स्थित सूत्रों का अनुमान है कि हसीना की विदाई हो सकती है और एक सैन्य सरकार उनकी जगह ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर समझ लीजिए कि भारत के लिए कई सारी मुसीबतें हैं। वैसे ही देखने को मिल रहा है कि म्यांमार में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ बांग्लादेश में अगर सैन्य सरकार आती है तो वो किसके पक्ष में काम करेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाएगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल के ऊपर अभी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कहा जा रहा है कि आज इजराइल के ऊपर कभी भी एक्शन में आ सकता है ईरान। हालांकि इजराइल के दोस्तों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, पर ईरान अगर ऐसा कुछ करता है उससे पहले एक साइबर अटैक हो गया है और कहा जा रहा है इस साइबर अटैक की वजह से इंटरनेट इजराइल में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अब यहाँ पर देखना होगा आज क्या सचमुच में इस तरह का कोई एक्शन ईरान लेता है जो कि इजराइल के लिए मुसीबत बनती है, या फिर मामला हल किया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं, इजराइल की ओर से कहा गया है कि हम तैयार हैं, वहीं ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कि चाहे परिणाम कुछ भी हो हम इसका रिएक्शन जरूर देंगे। अब यहाँ पर एक टफ माहौल खड़ा हो गया है। अगर ईरान यहाँ पर इस मामले में आगे बढ़ता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर एक युद्ध तो तय रखा हुआ है। अब ये कितना आगे बढ़ता है और ये मामला कितना आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। पर अभी ना दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर भी शांति देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात करें यूरोप में भी शांति नहीं है, वहीं भारत के आसपास पड़ोस में भी उसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। और अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ईरान मिडिल ईस्ट में भी ये पूरा खेल शुरू कर चुका है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आने वाला समय बहुत ही मुश्किलों भरा होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि चीजें एक विश्व युद्ध की तरफ चली जाएं। ईरान ने अमेरिका और अरब देशों की तरफ से मध्य पूर्व में तनाव कम करने की कोशिशों को खारिज किया और ईरान ने कहा कि वो बदला लेकर रहेंगे, भले इसकी वजह से जंग हो जाए उन्हें दिक्कत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।